तो है गाइस, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आज का जो वीडियो है, राउंड टू हेल का वीडियो है गाइस, उनका रिएक्शन वीडियो है। मतलब अभी स्कूल लाइफ पार्ट टू राउंड टू हेल गाइस, मतलब बहुत ज़बरदस्त है ये वीडियो। तो प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो गाइस चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। सुन लो मेरी बात, अब हो गया अपना 12th, अब करेंगे पूरे मजे। और यार संजय, संजय से कद्दू डर है, मेरा मुंह फाड़ दूंगा संजय, यही मारेगा संजय को सबसे पहले। फिर तुम मानना है क्या करके? किसको मारेंगे? किसको घसीटेंगे? किसका मुंह फाड़ेंगे? जय हिंद जय भारत। हम किसको मारेंगे? संजय को। किसका मुंह फाड़ेंगे? किसकी गाल फाड़ेंगे? बसीन क्यों डर रहा है इससे? तू 12th हो गया अपना कंप्लीट, अब क्या कर लेगा ये? संजय के अब्बा से भी ना डरे, सही है? आ तू देखते हैं इसे, सामने से हट जा। 12th पास कर लिया इस बार हमने। संजय ये गुस्सा किसी और को दिखाइए, अब यहाँ नहीं चलने का। 12th क्लास पास कर लिया है, कोई हाथ नहीं उठागा, इतना सा टच नहीं कर सकता तू। साले 9th से पास कर लो पहले, साला मास्टर ही बात निकाल रहा है, हर क्लास में जाके आखिरी दिन पूरा स्कूल सुनसान। अबे साले यहाँ मोबाइल चला रिया, संजय ने वहाँ सुअर भर दिया और कर गया है मोबाइल में तू। अबे बसी में एक ही ऐप चलाता हूँ, ऐप का नाम है कवाई ऐप। बिल्कुल करता हूँ, ले अभी ले डाउनलोड। क्लास में चला, 9th क्लास में मेरी बड़ी बेइज्जती करवा रखी है, हर जगह बेइज्जती करवा रहा हो तुम। अरे सर क्या बेइज्जती करा दी हमने? बेइज्जती? अबे तुम्हें आज तक ये नहीं पता कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? रो रो के जा रहे हो यहाँ से, प्रिंसिपल मुझे डांट लगा रहे हैं। चलो इस बात को छोड़ो, आज तुम्हारी क्लास की प्रेयर है। अरे सर हमसे ना आती है प्रेयर? क्या हो बह प्रेयर, लंच हो गया क्या? हेलो ए प्रे मतलब प्रार्थना। अरे सर हमसे ना आता कुछ, ना प्रेयर आती ना प्रार्थना आती। अबे कुछ तो आता होगा, वो ही सुना दियो। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। मैं की करा राजर दयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा। पागल से लिपटी कितने की तरह हाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में रुक जाऊं। सालो आ गया मजा, पूरे रणबीर कपूर बनना हो? चलो आओ आप पढ़ाई कर लो, मैं तुम्हें आज दूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंशन। टेंशन? अब जो मैं तुम्हें टेंशन दूंगा हिंदी से इंग्लिश में दूंगा। टेंशन तो बहुत दे दी पढ़ागा कभी। जैन बाहर फुटबॉल खेल रहा है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इंग्लिश घर के बाहर फुटबॉल खेल कैसे रहा वो मुझे बिना बताए? हम यहाँ पे चूतियों की तरह चूतिया मास्टर से पढ़ते हैं, ये बात नहीं चलेगी। फुटबॉल कहाँ है? कौन सी फुटबॉल? फुटबॉल न खेल लिया तू? मैं कहाँ, ये मास्टर कह रहा। चल छोड़, इसके सामने बहुत बेइज्जती होगी, फेल कर देगा ये अपने को। एक काम कर, इससे पूछ तू क्वेश्चन, जैसे टॉपर पूछे ना अपनी क्लास के, ऐसा पूछना। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बेटा पूछ पूछ। सर चिड़िया उड़ी, उसने सर खाना खाया और खाना खाने के बाद उड़ते हुए उसके हुए पेट में दर्द, उसने दवा ववा ली किसी डॉक्टर से और दवा लेने के बाद सर वो फिर से उड़ गई और उड़ने के बाद अपने घर पहुंच के खाना खा के सो गई। इसे सर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। क्या पूछ लिया इसने ये? क्या क्या क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बेटे मैं इसका जवाब तुझे कल दूंगा। रे रे सर आज ही बता के जाओ। अच्छा बेटा आज ही बताना, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। द वर्ड्स, द वर्ड्स फ्लाई, द वर्ड्स वेरी इजी क्वेश्चन। बेटा तू जरा पानी लेकर आना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
द वर्ड बेटे तुमने डेट भी नहीं डाल रखी है, डेट डाल द वर्ड्स फ्लाई। देखो बेटे इसमें चौक नहीं चल रहा, ये बहुत खराब है। बहुत कल ठीक हो जाएगा, कल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? इसको ही नहीं आता है। इधर चौक चल लिया दा, अपनी चुड़िया दा वर्ड्स। बहुत अच्छी थी चुड़िया, बहुत बढ़िया थी चुड़िया, बहुत अच्छी फ्लाई कर रही थी चुड़िया। बेटे ऐसा है चौक खत्म हो गया, कल पढ़ाऊं। अरे ये सर ये हाथ में हैगा तो जिंदा चौक कौन है? मुझे तो नहीं दिख रहा, कहाँ है? सर मुझे जवानी बता दो। द वर्ड्स वेरी गुड। बेटे क्यों परेशान कर रहा चुड़िया को? चली गई वो अपने घर, खाना खा लिया उसने, सो गई वो। बेजवान जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो तुम, और ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? सही कह रहे हो सर आप, बहुत सही कह रहे हो। अबे क्यों छेड़ लिया भैया, उसे सो रही है चिड़िया, उसे सोने दे, क्यों परेशान कर रहा है? जानवरों से प्यार ना तुझे? मैं दूसरा पूछ लूं, फिर दूसरा पूछ। सर ट्रेन बड़ी तेज जा रही थी, उसने हवा में ऐसे तीर फेंका और वो ट्रेन उड़ गई। बेटे टाइम खत्म हो गया, कल पढ़ाऊं। अरे सर अभी तो 15 मिनट बचे हैं। तमामी हरामी मास्टर है ये, बता के अभी भी नहीं गया। मेरा हलक सूख गया साला, पानी पी गया हूं। मेरा बैग का ध्यान रखिए। मैं मेरा बैग कान गया नहीं तो हाँ। सेल्फी बनेगी तुम्हारे साथ, तो सफाई अभियान में काम देगा ये। आपकी इस मेहनत को लगन को देखते हुए सरकार ने आपको एक गवर्नमेंट जॉब ऑफर की है, कल से आप जॉब पे आ जाना। नाजिम अब मैं स्कूल नहीं आऊंगा, मेरी टीसी कटवा ले वहां से, मेरा नाम कटवा, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। तो कर ले पहले। अरे मेरा कद्दू करा है 12, सरकारी नौकरी लग गई तो बन गया ये सफाई कर्मचारी। मैं क्यों करूं? प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन होगा? आगे की पोस्ट मिलेगी। तो क्यों टेंशन ले रहा है? तेरी जॉब लग जाएगी यार सरकारी। बे मेरी झाड़ू बहुत बड़ी है और सर्टिफिकेट अलग से मिला मुझे। बेटे कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हो? बेटे मेरे पास ट्यूशन में कितने पढ़ रहे हो? तू काम कर लोंडा, अरे फेल हो जितने सारे, ट्यूशन लगवा लो, फेल कर दूं एक एक को। समान करें, 2+2=4। आंसर तो इनने सही दे दिया, लेकिन परेशान कैसे करूं जो ट्यूशन पढ़े मेरे पास। चल दूसरा कर दूसरा। वे सर मेरा तो 77 आया। 77? ये 77 किस बाबली कांड का आया? तू तो ट्यूशन पढ़ता ना मेरे पास। हाँ सर। तो बिल्कुल ठीक है बेटे तेरा आंसर, किसी की बातों को ध्यान मत दे, तू बढ़िया पढ़ रहा है, टॉपर है तू, और तू साले पढ़ाई पे ध्यान दे ले, 4 आंसर है इसका। 77 लिखो सब। 77। अबे ये 77 कैसे आ रहा है? ट्यूशन पढ़ा है सर से ही, यूं आ रहा। एक सवाल और करो तुम सब, सही है? 7 केले हैं मेरे पास, उसमें से 2 मैंने खा लिए, कितने बचे? 3 केले। 2.5। 5 केले बचे सर। से सही जवाब दे दिया इनने। बेटा तू गलत है, तू ट्यूशन पढ़ा हमारे पास, सब सही आ जाएंगे तेरे आंसर, बिल्कुल गलत। तू बताइए बेटे तू। अच्छा सर मैं एक मिनट सर, सर 2 प्लेट बिरयानी, थोड़ी सी लाल वाली चटनी बची। बहुत सही जवाब बेटा तेरा, बहुत ही सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किसी की बातों पे ध्यान मत दिए, बहुत बढ़िया, मास्टर से ट्यूशन पढ़ लिया। सब लिखो, 2 प्लेट बिरयानी लाल चटनी। अरे सर इस सवाल में बिरयानी कहां से आ गई? हमारे पास ट्यूशन पढ़ेगा ना तो नहारी कौरमा जर्दा बिरयानी खीमा भाया सब आएगा, आंसर में सब आएगा। कम ले लूं तो सर। मास्टर है या बाबरची है? अरे एक फॉर्मूला बताओ मुझे, a² + b² = कितना होता? यार ईद पे इस बार कुर्ता पजामा बनाऊंगा। बिल्कुल सही जवाब मेरे बेटे, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। पढ़ लिया ट्यूशन, कुर्ता पजामा लिखो सर।
अरे सर इसमें कुर्ता पजामा तो है ही ना, कहाँ है आंसर शीट में कुछ भी ना इसमें। पेन का कैप कहाँ तेरा? कैसा पढ़ लिया हमारा लड़का? निहायत ही फेल है तुम्हारा बच्चा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को हर जगह शेयर।